YouTube फैमिली, तो कैसे आप सभी। मैं हूं कुंदन कुमार और आपका हमारे प्यारा सा YouTube चैनल डिस्टेंस पेंटिंग 1.0 में स्वागत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं जिम करने के लिए, ठीक है। जिम करने के लिए नहीं, पहले बार है जिम करने के लिए, लेकिन मेन पर्पस है आप लोग को दिखाना कि जिम स्पोर्ट कम्प्लेक्स कहाँ है। स्पोर्ट कम्प्लेक्स में ही जिम है, ऐसे मतलब सारे हॉस्टल में जिम दिया हुआ है, लेकिन सारे हॉस्टल में जिम बंद है, बट सबके लिए मतलब सार्वजनिक एक जिम है जहाँ, जिसको हम लोग स्पोर्ट कम्प्लेक्स बोलते हैं, वहाँ हम आपको ले चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि स्पोर्ट कम्प्लेक्स की क्या व्यवस्था है, स्पोर्ट कम्प्लेक्स में आप क्या क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जिम करने के लिए या बॉडी बनाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कौन कौन सी इक्विपमेंट्स है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और हमारे साथ है हमारे बगीश भाई, ठीक है, गुलशन के रूम पार्टनर। तो आपको चलते हैं दिखाते हैं, ठीक है। आप देखिए, शुरू से अंत तक देखते रहिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट नया एडमिशन लिए हैं या फ्यूचर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर वो ये सोच रहे हों कि हम जाके अपने कॉलेज में जिम मतलब जिम ज्वाइन करें या फिर बॉडी बनाए, तो आपको वहाँ वो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, उनके लिए। तो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए आपको भाई यहाँ, ठीक है, हेलो बोलिए। कहाँ ऊपर पर हाथ उठा रहे, तो जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखते रहिए, बने रहिए वीडियो पर, आपको दिखाते हैं, ठीक है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से जिम करके अच्छा। जिम 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 में मतलब क्या क्या व्यवस्था है बताइए तो। बस कुछ खास नहीं है, जितना है ठीक है, ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल, ठीक है। क्या क्या मतलब होता है जिम मतलब स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में क्या क्या व्यवस्था है जिम के अलावा भी? दिन के अलावा मतलब नाइट के लिए नहीं, इस समय मतलब क्या क्या व्यवस्था है जिम के अलावा, जैसे रॉक थी, स्क्वायर, स्क्वायर रैकेट, हाँ, और बैडमिंटन, और बस यही, यही सब है। अच्छा अच्छा, चलिए। फुटबॉल के लिए ग्राउंड बना हुआ है। अच्छा, ये ग्राउंड है ना, इंटरनेशनल ग्राउंड। इंटरनेशनल, अगर मान लीजिए कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आना है किसी को, तो कैसे आ सकता है? हॉस्टल नंबर 13 आएगा, पहले 1300 होकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारे बगीश भाई जा रहे हैं। Bro, yeah, you know, looks better. Yeah. Yeah. Why you're not attending the class? Oh, you know, I have to go there for exams and so many things, and also to prevent me from misunderstanding things in class, I have to feel more. Yeah, yeah. Good. You are my best friend. I'm not very more. Yeah. टेबल टेनिस की भी व्यवस्था है। ये था जिम जिसमें से हम लोग आ रहे हैं अभी, इसमें बैडमिंटन में खेल सकते हैं, बैडमिंटन और बास्केटबॉल की सुविधा भी है ना। चलते हैं ऊपर, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है, चलिए दिखाते हैं आपको। जिम हो गया है, पूरा बर्निंग हो गया, पूरा कपड़ा बन गया। चलिए अभी नीचे चलते हैं, थोड़ा सा बाकी है नीचे करना,
आपको बताते हैं कुछ और भी, ठीक है। सब जिम कंप्लीट हो गया? हाँ जी, कंप्लीट हो चुका है। जिम करने से क्या फ़ायदा होता है, ये दो तीन दिन? जिम करने से फ़ायदा है कि आप फिटनेस में रहेंगे, फिटनेस में रहिएगा। सबसे पहले जरूरी है कि हॉस्टल में जिम आने से बॉडी में मतलब लेजी हो जाता है। इसे आराम से घंटा वर्कआउट कीजिए, बॉडी फिट में रहेगी। आलस भी ना करें, इसलिए हम भी जिम मेरे एक मंथ हो गया आते हुए। चलिए, अगर मान लीजिए जिम अगर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अगर किसी को आना है तो कैसे आ सकता है? आराम से 5 से 6, 4, 6 बजे से ओपन होता है। 6 बजे ओपन होता है? 6 बजे से ओपन होता है शाम में। कितने बजे तक खुला रहता है? 8 बजे तक, 2 घंटे खुला रहता है। आप 2 घंटे आराम से आके अगर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आना है किसी बच्चा को कहीं से, तो कैसे आ सकते हैं? आराम से हॉस्टल से अपने रास्ते से होते हुए आराम से आ सकते हैं। 30 नंबर हॉस्टल पर आएगा ना, वहाँ से इंटरनेशनल स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम के सामने। जी अच्छा, ठीक है। तो मेरा भी जिम कम्प्लीट हो चुका है, तो चलिए चलते हैं। किस भाई, जिम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना। तो चलिए YouTube फैमिली ते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियो से अगर आपको कोई भी हेल्प मिला हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।